नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी अत्री और आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। फरीदाबाद टाइम्स में आपका स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर। फरीदाबाद नगर निगम की लापरवाही से पूरे फरीदाबाद शहर में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। इसी अनदेखी के चलते फैली गंदगी को साफ करने के लिए फरीदाबाद के सीए व इंजीनियर्स ने हाथ में झाड़ू लेकर सफाई अभियान चलाया। इसका विषय था कूड़े करकट को दूर भगाना है, अपने फरीदाबाद शहर को अच्छे से चमकाना है। जिस तरह शहर में चारों तरफ कचरे के ढेर का आलम है, शहर की जनता बीमारियों से ग्रसित हो रही है। दूसरी तरफ नगर निगम और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। यह अभियान दशहरा ग्राउंड से चलकर नीलम चौक तक चलाया गया। इस अभियान में शामिल स्थानीय पार्षद पर सीए और इंजीनियर्स ने आरोप लगाते हुए कहा कि पार्षद साहब यहाँ राजनीति रोटी सेकने के लिए आए हैं। दिखाई दे रहा है ये नज़ारा फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड का है, जहां से सफाई अभियान शुरू हुआ है। इस सफाई अभियान में फरीदाबाद की एक समाज सेवी संस्था के साथ जुड़े सैकड़ों सीए और इंजीनियर्स ने हिस्सा लिया और शहर के दशहरा ग्राउंड और बादशाह खान चौक से नीलम चौक तक सफाई अभियान चलाया। इस अभियान में सभी कार्यकर्ताओं ने जहाँ एक ओर सड़क पर झाड़ू लगाई, तो वहीं उन्होंने सड़क किनारे पड़े कूड़े को एकत्रित कर गाड़ी में भरकर डंपिंग जोन पर गिरवाया। संस्था से जुड़े सीए प्रदीप महापात्रा ने बताया कि फरीदाबाद केवल नाम के लिए स्मार्ट सिटी में शामिल है, यहाँ जहाँ देखो गंदगी ही गंदगी नजर आती है, इसलिए वे आज अपने हाथों में झाड़ू लेकर सड़कों पर निकले हैं। इतना ही नहीं, सीए प्रदीप महापात्रा ने इस अभियान में शामिल हुए बीजेपी पार्टी से स्थानीय पार्षद पर कटाक्ष किया। एक्चुअली क्या है, फरीदाबाद में जहाँ से निकलते हैं वहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, तो इतना बदबू, इतना गंदगी, कोई ना नगर निगम इसका शोध लेता है, ना कोई मंत्री शोध लेता है। यहाँ पे दो दो एमपी है, दो एमएलए हैं, किसी के कान में जू नहीं लगती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके हमारे आसपास के इलाका साफ स्वच्छ हो जाए, इसीलिए हम लोग निकले हैं रास्ते पे। ये कहने के लिए नाम को स्मार्ट सिटी फरीदाबाद है। यहाँ मतलब मैंने पहले भी लिखा था, यहाँ रहते हुए एक स्ट्रे डॉग से ज़्यादा हमें कोई कुछ और फीलिंग नहीं आता है। जहाँ देखो बदबू, ऐसे लग रहा है जैसे हम आदमी नहीं जानवर हैं। पार्षद जी आए हुए हैं, क्या कह रहे हैं? पार्षद जी अपना रोटियां सेक रहे हैं, पार्षद जी क्या कहेंगे? पार्षद जी को अगर कोई काम करना होता बहुत पहले काम हो गया होता, हम लोगों को रास्ते पे नहीं निकलना होता। हम लोग रास्ते पे रोज के साथ निकले हैं कि हम कुछ करें, हमारे आसपास का इलाका साफ स्वच्छ हो। दैट्स इट। दिन प्रतिदिन जो बढ़ती गंदगी के है फरीदाबाद में, जिस जगह जाए वहीं कूड़े के ढेर जो है, सांस लेना दुभर हो गया इसमें जो है। तो ये हमारी पूरी जो फ्रेंड सर्किल की जो है एसोसिएशन है, इन्होंने ये मुहिम चलाया कि ताकि सरकार को ये आभास हो इस बात का कि भाई जो कूड़ा करकट है, कम से कम एक डंपिंग ग्राउंड पूरे फरीदाबाद जो स्मार्ट सिटी दिया है, तो डंपिंग ग्राउंड फरीदाबाद से बाहर होना चाहिए, न कि गली गली कुचे कुचे ऑफिस के सामने। ये देखिए इलाहाबाद में कितनी बढ़िया जगह ब्रांच है, इसके सामने ये लोग करते हैं, यहाँ पे हर रोज़ सफाई करवाते हैं, लेकिन अगले दिन फिर यहाँ पे जो है कूड़ा डंप करे। यहाँ पास ही जो है कमिश्नर ऑफिस है, पास ही जो है कमिश्नर रेजिडेंस है, पास ही जो है एमसीएफ के बड़े बड़े ऑफिसेज हैं। इन अधिकारियों से कई बार अप्रोच किया है कि भाई इस सफाई के लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि अपना एरिया जितना भी है वो साफ सुथरा है। आज हमारी पूरी जो ब्रदर हैं, जो अपने यार दोस्त हैं, उन्होंने ये मुहिम चलाया कि हम खुद सफाई करके, कम से कम सरकार ये तो सोचे कि भाई कोई करने वाला है, जितना भी पैसा आए वो कहाँ यूज हो रहा है, पार्षद लोग क्या कर रहे हैं। मेरी इतनी गुजारिश है कि सरकार जो यहाँ पे सुव्यवस्थित है वो इस सफाई के प्रति थोड़ा सा सजग हो, तो आज जिसका हम स्मार्ट सिटी का जो है दम भरते हैं वो पूरा कर सकते।